मौनी माता भक्त समिति आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया लाइन से आएं और लड्डू का प्रसाद लेते जाएं। लड्डू का प्रसाद माता का प्रसाद है। मौनी माता की धिला धिल धा धिला धिल धा। लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए। क्या बदतमीजी है, भक्तों को लिख के गाली दे रहे हो? अरे गाली नहीं है, प्रसाद है भाई माता का। मिश्रा जी, कैसी टुच्ची नियत के साथ आप आए हैं माता के दरबार में? अरे भाई लड्डू प्रसाद है, इसलिए लिखा है लड्डू खाओगे। सात्विक नियत से आते ना तो ऐसा नहीं होता। लड्डू खाओगे? दो नहीं, इस बार गाली ही दी है। मौनी माता की दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। भाऊजी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप कब से मौनी माता हमारा मतलब है शांति जी के भक्त हो गए। बेटा दरअसल हमने ये सोचा, बहू ने अगर वैराग्य अपनाया तो कुछ सोच समझ के ही अपनाया होगा ना। अब देखो पूरी दुनिया कैसे उसके कारण भक्तिमय हो गई, हम कहाँ पीछे रहे। आज से हम भी मौनी माता के परम भक्त हो गए। बोलो मौनी माता की दिना दिन धा दिना दिन धा दिना दिन धा दिना दिन धा दिना दिन धा। अरे पूजा बेटा, तुमको तो अपने भाई को रोकना चाहिए था। पापा हम सब ने सोचा है कि जिसमें मम्मी खुश है उसमें हम भी खुश है। अरे लेकिन तुम लोगों को पढ़ाएगा कौन? उसके लिए सकीना आंटी ने ट्यूशन टीचर लगा दिए, वो कल से आ जाएंगी। दिनादिन धा दिनादिन धा दिनादिन धा। मैं भाई जी मिश्रा, हम तो कह रहे हैं तुम अपना पनवाड़ी का धंधा करो बंद, तुम्हारी दुकान चलती चलाती है नहीं। माता का देख रहे हो कैसे भका भक चढ़ावा आ रहा। तुमको बंधी भाई है भी तनखा देंगे, निठल्ले बाबा का दिल बहुत बड़ा है। निठल्ले बाबा? अबे और क्या, इस लाइन में दरअसल बिट्टू बिट्टी नाम थोड़ा बचकाना लगता है, इसलिए हमने अपना नाम निठल्ले बाबा रख लिया है। हम तो तुमको सलाह दे रहे हैं, माता की करो सेवा खाओ मेवा। ऐसा है बिट्टू भैया, हमको तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और ना ही हमें तुम्हारी कोई फालतू सलाह मांगनी है, समझे? ये सलाह का बनाओ लड्डू, घुमा के अपनी पीछे ली जेब में डाल ले। अच्छा लड्डू खाओगे? गाली दे रहे हो? खड़े हो माता के दरबार में, खोपड़ी बांधे हो, फीता लटकाए हो, दुपट्टा, गाली दे रहे हो? तुमको ज्यादा पता है हम गाली दे रहे हैं, बहुत बड़ी अम्मा ना बना करो समझे। हम कह रहे हैं बाहर प्रसाद में लड्डू बट रहे हैं, अगर खाना हो तो मेरा नाम बता देना, ना खाना हो तो तुम भी हाथ घुमा के पीछे वाली जेब में डाल लेना। थिना थिन था। ठोंगी कहीं का राम लखन बना घूम रहा है। कमाल है, कल तक तो सब ठीक था, आज बेगम को क्या हो गया? बेगम हमें इतनी आवाज तो बम फटने पर भी नहीं होती जितनी आप बर्तन धोने पर कर रही हैं। वैसे आपका ये हुनर ना दिवाली पे अच्छे से काम आ सकता है। क्या हुआ? मैं आप अनजान क्यों बन रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी? मिश्रा भाईजान को देखा आपने? अगर ऐसे शोहर हो ना तो बीविया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। शांति भाभी मामूली सी औरत मौनी माँ बन गई, जानते कितना चढ़ावा आ रहा है, उनके तो हाथ भी थक गए नोट गिनते गिनते। हाँ तो बेगम आप भी उस दिन चाय पी लेती ना तो आप भी बन जाती आज मौनी माता। चाय? हमारा मतलब है बेगम चाय पीने के बाद आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जो हो रहा है ये सब सही है। सही गलत क्या होता है? क्या होता है सही गलत? नहीं बताइए क्या होता है सही गलत? सही तो ये है मियां कि शांति भाभी ना नोट छाप रही हैं और हम यहाँ बस ये रोटियां बेल रहे हैं। बेगम आपसे बहस करने से अच्छा है हम दुकान पे चले जाएं। तो मत कीजिए ना बहस, कीजिए ना गाय कीजिए, क्यों कर रहे हैं आप बहस, जाइए ना, अब बैठे रहेंगे
जाइए, हमने कौन सा बांध के रखा है आपको? सुनिए, राशन लेकर आइएगा, यहाँ खैरात नहीं बट रही है, आ जाते हैं बस खाने खाने, जाइए। ओ ये क्या, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या बोले जा रहे हैं आप? कह रहे हैं आते हुए ले आएंगे राशन। तो लाना ही पड़ेगा, और क्या, हम लाएंगे या अम्मी जान को भेज दें, अम्मी जान ले आएंगी या फिर बच्चों को भेज देंगे, हमारा तो यही काम है ना, बस खाना ही बनाएंगे हम, और क्या करेंगे, ये बर्तन करेंगे बस। अरे जल्दी करो भैया, मौनी माता के दर्शन का टाइम हो गया है। अरे चिंता न करो, ऑनलाइन भी दर्शन देती है आजकल। हाँ पता है, दर्शन तो दर्शन, माता का प्रसाद भी ऑनलाइन मिलने लगा है। अम्मा मियाँ, आप दोनों जिस मौनी माता की बात कर रहे हैं ना, ये जो है ना, ये चश्मे वाले मूछे वाले, ये उन्हीं के पति हैं। पहले इनकी बीवी थी, अब मौनी माता बन गई, इन्हीं का आशीर्वाद ले लीजिए, समझिए मौनी माता का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, सुना तो था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि आप वही हैं जिन्होंने शांति जी को मौनी माता बनने के लिए प्रेरित किया है। हमारा कल्याण करे प्रभु, कल्याण करे प्रभु, कल्याण। अम्मा देख क्या रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए ना, क्योंकि आप ही हैं मशाले चिराग। मशाले चिराग? मशाले चिराग होता है ना मियाँ, वो तुम भी ये वो करने लगे है, तुम भी सगीना भाभी से प्रेरणा ले रहे हो। हाँ मियाँ यही तो कहना चाह रहे थे, प्रेरणा, मशाले चिराग मतलब प्रेरणा, मतलब शांति भाभी ने आप ही से तो प्रेरणा ली है। कुछ भी मत बक दो, समझे, आशीर्वाद। वो क्या, वो दिन दिन दादा, दिन दिन दादा, बोलो मौनी माता की, दिन दिन दा, दिन दिन दा। मिर्जा तुम काहे हमारा मजाक बना रहे हो, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया हो कि मौनी माता हमारी माता, मतलब वो शांति जी हैं। वो कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्यों आपका ढिंडोरा पीटेंगे मियाँ, हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं कि देखिए देखिए यही है वो शख्स जो है मौनी माता के मशाले चिराग शौहर। सबसे पहले तुम ये मसाले चिराग कहना बंद करो, ऐसे लग रहा है बुड्ढे हो गए। ना 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 मियाँ, जरूर बोलेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आपकी टांग खींचने का हमें मौका मिला है। आ गए ना तुम अपनी पर, तुम भी उन्हीं इंसानों में से हो वो जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, हम यहाँ मरे जा रहे हैं, मुसीबत में फंसे कर रहे हैं। हेलो चिड़ गए मौनी माता की धिनाधिन धा, 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 मौनी माता की धिनाधिन धा। आजा आजा आजा, 600 का दो, 600 का दो, 600 का दो, मौनी माता की लड्डू खाओगे? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए, हमारी बीवी का आश्रम है, आइए आइए। मौनी माता की धिनाधिन धा, 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 धिनाधिन धा। भक्तजनों सालों, हम तो कह रहे हैं हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, किसी ना किसी ने धरती पे अवतार लिया है, हमको बताते हुए बड़ा हस्म हो रहा है। हर्ष हर्ष, हाँ वही जो ये भक्त कह रहा वो हो रहा है। इस बार धरती का उद्धार करने के लिए डायरेक्ट मौनी माता ने अवतार ले लिया है। अब वक्त आ गया है मौनी माता अपने स्थान को प्रस्थान करेंगी। मिर्जा, लग रहा है बिट्टू भैया ने शांति जी को वापस ग्रह आश्रम में लाने के लिए मना लिया है। मियां ये तो गलती हुआ। क्या कह रहे हो? हमारा मतलब है कि ये जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था, अब सही हो रहा है। अब हमको भी शमशान जाने में देर नहीं हुआ करेगी। आज माता के साक्षात दर्शन का ये अंतिम दिन है, कल हमारी माता इसी भूमि पर समाधि लेंगी। समाधि? ये कौन सी समाधि की बात कर रहा है रमेश? हमें क्या पता बाबूजी, हमें किसी ने कुछ थोड़ी बताया है। दिना दिन धा, दिना दिन धा।
नौटंकी चल रही है यार, चुप रहो, यहाँ कोई समाधि मवाधि नहीं ले रहा है। शांति जी देखिए, जो कुछ हुआ है आप उसे भूल जाइए और वापस हमारी जिंदगी में लौट आइए। देखिए हम आपसे वादा करते हैं, आगे से आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। आइए चलिए आइए। ए बिल्कुल बदतमीज आदमी हो क्या बे? आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने आपकी माता का हाथ पकड़ रहा, जरा इनको। जो आदेश माता। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, माता कह रहे हैं बस इतनी लाते बहुत हैं। बैठे बैठे कितने लड्डू खा गए, गिन ही ना पाए हुई हो। ऐसा है माता समाधि लेने की सोच लीन है, तो माता समाधि लेके मानेंगी ना, माता के अपने विचार बदलेंगे ना निठल्ले महाराज उनके विचार बदलने देंगे, समझे तुम? कहाँ ले जाओ कहाँ ले जाओ, इधर खड़े हो जाओ। कल माता समाधि लेके रहेंगी। अरे ऐसे कैसे ले लेंगे? अरे इनके बाल बच्चे हैं भाई, ऊपर से वो हमारी धर्म पत्नी भी तो है। अबे धर्म पत्नी तुम्हारी है नहीं, धर्म पत्नी तुम्हारी थी, और माता ने ठान लिया है अगर कि समाधि लेंगे तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। माता की जो इच्छा होती वही करती, समाधि तो ले ही के मानेंगी। अरे बहू, अरे मतलब समाधि। मम्मी आप मैं जोर में मत जाओ। हाँ मम्मी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, हमें अकेले पापा के साथ नहीं रहना। शांति भाभी अगर आप कहेंगे तो हम हवेली छोड़ देंगे, लेकिन आप हमें छोड़ के मत जाइए। भाभी आपके बगैर हम अकेले क्या करेंगे हवेली में, हमारा कैसे मन लगेगा और हम लड़ाई किससे करेंगे, अकेले हवेली की दीवारें हमें काटने को दौड़ेंगी भाभी। जो आदेश माता। ऐसा है भक्तों, माता कह रहे खुदाई चालू करो, 16 फुट चौड़ी 16 फिट गहरी। अरे 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 क्षमा माता, हमसे गलती हुई गई, हम समझ नहीं पाए। भैया रुको रुको, माता कह रही है अभी खुदाई उदाई कुछ नहीं, इस विषय में कल बात कर बे। क्षमा कर दो माता, हमसे बहुत बड़ी। दिन आ दिन धा धा। पापा 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 पापा, मम्मी ने समाधि ले ली। क्या इतनी जल्दी कैसे ले ली?
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था शांति जी। भाभी, इतनी सी गलती की, इतनी बड़ी सजा, शांति जी नहीं, आप तो बोलिए शांति जी, आप बोलिए, आपका चुप रहना अच्छा नहीं लगता है शांति जी। हाँ मम्मी, आपके बोलने से घर घर लगता है। हाँ मम्मी, भर भर के बोलिए, भर भर के। सच में बोले? हाँ शांति जी, आप बोलिए। शांति जी की आवाज? हाँ, क्योंकि हमने समाधि नहीं ली है। शांति जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। भाभी, इस बार तुम्हारी जान ही निकल गई थी, हम भी बहुत डर गए थे। माना बहू, हमको शमशान जाना अच्छा लगता है, लेकिन खुद चल के, कंधे पे लद के नहीं। लेकिन शांति भाभी, ये सब आपने किया क्यों? आप सबको सबक सिखाने के लिए। हमारे ना बोलने से आप लोग बहुत खुश थे ना? बोले तो परेशानी, ना बोले तो परेशानी। फिर हमने मौन धारण कर लिया, और मौन में भी जो हमसे गलतियां हुई उसके लिए भी हम ही को डांटा गया। बाबूजी के कुर्ते में छिपकली आप बोलकर नहीं बता सकती थी? अगर छिपकली बाबूजी को चाट लेती और उन्हें कुछ हो जाता तो? हम आपको कभी माफ नहीं करते। हमसे किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई उस समय। फिर हमको लगा कि हमारा बोलना किसी को पसंद नहीं है, तो हम यहाँ रह क्यों रहे हैं? इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। और हम चले गए, और फिर रास्ते में हमको बिट्टू भैया मिले, और इन्होंने ये सब प्लान बनाया। हमको जब लगा कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, शांति भाभी बोलेंगे नहीं, बस वैसे ही मेरे दिमाग में भाई जी मिश्रा घंटी बज गई कि काहे ना बाबा बाबा वाला बिजनेस कर लिया जाए। अब हम सोचा, लेकिन ये तो है दादी, बाबा क्या करे। फिर हमने इनको मौनी माता बना दी। कसम से बता रहे बाबू जी, वो चढ़ावा आया इतना बिजनेस, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन फैक्ट्री लगा नहीं कमा सकते जितना खाली हमने इनको गद्दी में बैठाल के कमा लिया। तुम्हारी कसम, बहुत माल आया यार। तो ये सब तुमने चढ़ावे के लिए किया? नहीं तो क्या, हमको यार तुम्हारे पारिवारिक विवाद से क्या भाई जी लेना देना। हम तो देखो पुराने आदमी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमारे गुरु जी कहते थे कि पहले अपने लिए करो, फिर अपनों के लिए करो, फिर समाज के लिए करो। तुम्हारे यहाँ हर तीसरे दिन विवाद होता, हमें भैया उसमें थोड़ी पड़ना यार। हमने अपना माल कमा लिया शांति भाभी के नाम से। बाबूजी, आज रात का डिनर आप हमारे साथ करोगे। श्रीवास्तव नहीं था पिछली गली वाला, मर गया था, आज उसकी तरही है। उसका लौंडा सब काम देसी घी से करा रहा, पूड़ी भी सब्जी भी। मिलते हैं शाम को, बाय बाय टाटा। अब यहाँ कोई हमसे माफी मांगना चाहता है तो मांग ले, नहीं कहो तो हम फिर से मौनी माता बन जाए। शांति जी, शांति जी, आप हमें मारिए, मारिए, मारिए। आप जो शब्द है ना, वो बहुत लड्डू है, वो हमारा मतलब है कि बहुत मीठे हैं शांति जी, बहुत मीठे हैं। आप बोलिए शांति जी, कोयल सी तेरी बोली, कुकू 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 कुकू। शांति जी, सच बोल रहे हो? शांति जी ठीक है। वैसे एक बात कहे? बताइए बताइए। कह तो रहे हैं, हम जब नहीं बोले ना इतने दिन, तो हमको थोड़ा अजीब तो लग रहा था ना, अंदर से बहुत सारा स्टॉक जमा किया इतने दिन का, और बहुत भरे पड़े हैं। तो कहो तो बोल ले थोड़ा सा। अरे
बोल डालिए, आप जानती थी कैसी बात कर रही है, बोल डालिए। लो फिर और सुन लो, अरे उस दिन जब तुमने छिपकली वाली बात पे हमको डांटा था ना, गुस्सा बहुत आया था मिश्रा जी हमको तुम्हारे ऊपर, लेकिन हमने शांत कर लिया क्योंकि हम ऑन थे ना। फिर हमको लगा कि यहाँ से चले जाते हैं।